पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सीआरपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोक न्यूसेंस या जिसे पब्लिक बाधा या लोक अपदूषण भी कहा जाता है उसके बारे में इस वीडियो में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की यहाँ कार्यवाही होती है जिसमें सरकार के द्वारा एसडीएम को या डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है सरकार के द्वारा, उसे ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी बाधा, धुआं, सड़क, गली, नदी, कैनाल, पानी के बहाव को रोकना, पार्क, रास्ता रोकना या किसी तरह की पब्लिक न्यूसेंस जिसमें होती है कोई कारखाना लगा देना, कोई म्यूजिशियन है रास्ते में वो ऐसा म्यूजिक बजाता है, या कोई विस्फोटक सामग्री या बिल्डिंग को गिराने के लिए, या जहाँ कोई अग्निकांड वगैरह हो सकता है, ये सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और इसमें जो कार्यवाही होती है उसमें जैसे कोई मशीनों की आवाज़ आ रही है कहीं भी, तो कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट पेश कर सकता है या पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष इस तरह का परिवाद पत्र प्रस्तुत कर सकती है। रास्ते में कोई तालाब है, कुंड है जिसकी कोई बागड़ नहीं है, किसी के गिरने की संभावना है, इन सब परिस्थितियों में धारा 133 सीआरपीसी के तहत लोक अपदूषण या लोक न्यूसेंस की कार्यवाही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है। धारा 133 के तहत केवल पब्लिक न्यूसेंस यानी लोक अपदूषण ही आता है, प्राइवेट अपदूषण नहीं आता है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। तो इसमें कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले इस मामले की जांच करेगी, जुरिस्डिक्शन देखेगी कि क्षेत्राधिकार है कि नहीं सुनवाई का, उसके बाद शो कॉज नोटिस के रूप में या कारण बताओ नोटिस के रूप में उसको ग्राह्य करके उसकी कंप्लेंट को सामने वाले पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के साथ संबंध भी उपस्थिति के लिए भेजा जाएगा कि अमुक दिनांक को आप फलानी जगह उपस्थित होइए और अपना कारण दर्शित करें क्यों ना आपके विरुद्ध लोक न्यूसेंस की कार्यवाही की जाए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार इसमें सशक्त होती है, ये प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में भी हो सकता है जैसा मैंने बताया, या पुलिस भी इसको कर सकती है। जुरिस्डिक्शन जब तय हो गया विपक्षी के विरुद्ध, इसमें प्राइमरी पहले ऑर्डर पास किया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि आप इस बाधा या लोक न्यूसेंस या किसी भी तरह कोई मकान है गिरने की स्थिति में, पेड़ है, कोई रास्ता रोका हुआ है, उसे बाधा को हटा लें। सुनवाई के लिए वो अमुक स्थान पर उपस्थित होगा, चाहे तो वो आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकता है और इसको सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती लोक बाधा को। लेकिन अगर प्राइवेट है तो उसको सिविल कोर्ट में उसके राइट ड्यूटीज के लिए वो जा सकता है। संबंध की ड्यूली सर्विस हो जाने पर विपक्षी को आदेश का पालन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करना होता है। प्राइमरी आदेश का पालन वो करे या ना करे, अगर कोई उसे आपत्ति है तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर वो बता सकता है। यदि वो व्यक्ति जानबूझकर सम्मंस वगैरह की नोटिस की सर्विस से डेलिबरेटली अवॉइड करता है तो इसमें अखबार में भी प्रकाशन, कारण बताओ नोटिस वगैरह का किया जा सकता है और पालन करने के लिए उसे कहा जाएगा। कोई भी आपत्ति तुरंत अगर प्रस्तुत नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट उसमें एक्स पार्टी या एक पक्षीय प्रोसीड करके कार्यवाही पूर्ण करेगा। इसके बाद आपत्ति अगर उठाता है और वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी पब्लिक न्यूसेंस या प्राइवेट लैंड है मेरी, बिल्डिंग या तालाब में, ऐसा मैंने नहीं किया है, मकान नहीं गिरने की स्थिति में, तो वो जो भी है वो न्यायालय के समक्ष, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति रखेगा। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में फिर वो मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा, किसी व्यक्ति को पब्लिक राइट है नहीं ऐसा पूछा जाएगा, पब्लिक राइट अगर मान लिया गया है तो वो ऑब्जेक्शन को डिसाइड करेगा, परिवादी को कंप्लेंट पेश करने का अधिकार नहीं, अगर ऐसी आपत्ति उठाई गई है तो उसकी जांच करेगा, रास्ता है, बिल्डिंग है, जो भी है, मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि पब्लिक का कोई लेना देना वास्तव में है कि नहीं। इसके बाद यदि प्राइवेट राइट है तो कह देगा कि आप सिविल कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं, फिर जांच लेगा, साक्ष्य वगैरह जांच करने के लिए किसी को अपॉइंट कर सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, दोनों पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा नेचुरल जस्टिस के तहत। एविडेंस नहीं मिलने पर कई बार कमीशन भी जारी इसमें किया जाता है कि मौके की स्थिति जाकर कमिश्नर देखे, दोनों तो ओर के वकील भी हो सकते हैं, तो इस तरह लोकल इन्वेस्टिगेशन या एक्सपर्ट से जांच भी कराने के आदेश दिए जा सकते हैं प्रक्रिया में। और ऐसे में अवज्ञा अगर वो करता है तो कोई आदेश भी वो एग्जीक्यूशन का जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट चाहे तो। आदेश की अगर वो पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि मामले में ऐसी अर्जेंट परिस्थिति है कि मामले में स्टे की आवश्यकता है, तो उसमें कंप्लेनेंट एक स्थगन आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है कि तुरंत ऐसी स्थिति है, इमरजेंसी के दौरान
कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, बिल्डिंग खाली कराने की है, गिरने की स्थिति में तो मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसने स्थगन पर सुनवाई करके और स्थगन आदेश भी जारी कर सकता। धारा 143 ये कहती है कि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति वो नहीं करेगा दोबारा से, पुलिस के द्वारा या प्राइवेट व्यक्ति जिसने भी कंप्लेंट पेश की है उसको सुनने के बाद उसमें प्राइमरी ऑर्डर सबसे पहले जारी होगा, आपत्ति पर उसे पब्लिक राइट के मामले में सुना जाएगा, प्राइवेट राइट होने पर जैसा मैंने बताया सिविल कोर्ट में जाने की सलाह दी जाती है। न्यूसेंस का अगर ऑर्डर फाइनल कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा एग्जीक्यूटिव तो उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट चाहे तो धारा 188 IPC के अंतर्गत भी कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट लिखा सकता है। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मामला हुआ था CA अवराजन वर्सेस CV श्रीनिवासन, CA अवराजन वर्सेस CV श्रीनिवासन, इसमें प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया 1996 वॉल्यूम 7 पेज 71 पर यह रिपोर्टेड हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रारंभिक आदेश मजिस्ट्रेट को सबसे पहले सुनवाई करके जारी करना चाहिए, जो मैंडेटरी है इसका पालन करना होगा, अगर आपत्ति दर्ज कराई गई है तो जांच की जाए, एविडेंस ली जाए, फाइनल ऑर्डर जारी किया जाए, तो अन्यथा ये कार्यवाही अगर पूरा पालना करके नहीं पास किया गया है तो ये कार्यवाही रद्द भी हो सकती है। इसी तरह एक अन्य मामला विकास सक्सेना वर्सेज डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर का 2001 (2) CTC 295 पर रिपोर्ट हुआ है, जिसमें पुनः अवराजन के मामले में जो कहा गया था कि प्रारंभिक ऑर्डर जारी करना मैंडेटरी है इसी बात को दोहराया गया और ये कहा गया धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक आदेश जारी करना चाहिए, फॉर्म नंबर 20 में ये आदेश होगा छपे हुए फॉर्म में, अन्यथा पूरी कार्रवाई रद्द की जा सकती है। इसके अलावा एक अन्य मामला मोहन प्रदीप वर्सेज डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर का 29 जनवरी 2018 को डिसाइड हुआ था, इसमें भी कहा गया कि यदि कोई बिल्डिंग गिरने की स्थिति में कोलैप्स हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में उसमें नोटिस दिया गया था इस मामले में और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष गए थे, मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया, पिटिशनर को पूरी सुनवाई का आदेश करने के बाद आदेश जारी नहीं किया गया, प्रक्रिया उसे फॉलो करना जरूरी था और रेट ऑफ सरसियो राय जारी की गई। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसका जिस्ट यह है कि पब्लिक न्यूसेंस या 133 CRPC की कार्यवाही करने के लिए पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति कंप्लेंट प्रेस कर सकता है प्रतिवादी के विरुद्ध, उसका जुरिस्डिक्शन तय होगा, मामला उसमें अगर सही पाया जाता है तो उसका दर्ज या रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसे शोकॉज सामने वाले प्रतिवादी को शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, आपत्ति है तो तारीख पर उपस्थित होगा और आपत्ति समय पर उपस्थित होकर बदलाएगा, यदि वो संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है अन्यथा प्रारंभिक ऑर्डर पास किया जाए। 137 धारा में इसको सुना जाएगा, पब्लिक राइट है तो उसकी सुनवाई वही करेंगे, लोग अगर किसी तरह की लोक न्यूसेंस हो रही है प्राइवेट राइट में उसे सिविल कोर्ट जाने के लिए कहा जाएगा और पब्लिक के विरुद्ध न्यूसेंस का अगर वो जांच करना आवश्यक समझते हैं जांच करेंगे, एक्सपर्ट के बयान वगैरह लेंगे, कमीशन जारी कर सकते हैं, फाइनल ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करेगा, विपक्षी अगर आदेश नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध 188 IPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट लिखा सकते हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप में लोक अपदूषण पब्लिक न्यूसेंस धारा 133 CRPC के संबंध में जो कैसे कार्यवाही की जा सकती है और कैसे धारा 133 से 143 CRPC तक के प्रावधान है इस बारे में संक्षेप में आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। मित्रों मेरा अनुरोध है यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube पर इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों दोस्तों परिचितों साथियों समाज के लोगों को इसे भेजें जिससे उनकी जानकारी धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।